हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी लगातार एक सख्त भू कानून बनाने की मांग की जा रही है, जिस पर विपक्षी दल के नेता लगातार सरकार को घेर रहे हैं। इस बात पर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार को सख्त भू कानून बनाने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए, साथ ही इसमें सभी राजनीतिक दलों की राय भी लेनी चाहिए। वहीं इसके साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि जो मूल निवासी का कानून 2012 में खत्म कर दिया गया था, उसे दोबारा धरातल पर लाना चाहिए। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। हम पूरा समर्थन करते हैं, एक सख्त भू कानून बनना चाहिए, सरकार को इसमें जल्द इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, और चाहे हिमाचल प्रदेश की तर्ज में हो, चाहे अलग से एक, और इसमें सभी राजनीतिक दलों की के राय भी मशवरा भी लेना चाहिए। और मेरा मानना है कि जब सख्त भू कानून बनेगा तभी उत्तराखंड सुरक्षित रह पाएगा। लंबे समय से हो रही है और भू कानून की मांग को हमारी सरकार को मान लेना चाहिए, परंतु आज इस भू कानून और मूल निवास को एक फुटबॉल की तरह हमारी सरकारों ने और विपक्ष ने बना दिया है। कोई इधर से किक मार रहा है, कोई उधर से किक मार रहा है, बस उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आपके पास प्रचंड बहुमत की सरकार है तो मुझे लगता है कि इस दौरान भू कानून को लागू करना चाहिए। जो मूल निवास कुछ वर्षों पूर्व 2012 में उत्तराखंड के लोगों का खत्म किया गया था, उस मूल निवास को पुनः लाया जाए। तमाम प्रकार की ये लड़ाइयां हम धरातल पर भी लड़ रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से भी जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।